गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टैंडर्ड नाइन्थ चैप्टर हाउस एंड क्वार्टर्स। ओ हाउस एंड क्वार्टर्स में हम पिछले दो वीडियो देखे थे ना, एंड देन पार्ट थ्री यूजिंग ए प्रेसलिटीज इधर हम सी तक देखे थे। मैं दूसरा बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। लिसन, हाउ मच डज हाफ किलोग्राम ऑफ टोमेटोज कॉस्ट। इधर प्राइस लिस्ट आइटम दिया, प्राइस लिस्ट दिया, पर किलोग्राम कितना प्राइस है गिवन, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हाफ किलोग्राम, वन किलोग्राम 8 रुपीज, हाफ किलोग्राम उसमें हाफ ना 4 रुपीज। अभी देखो 1/2 × 8, 1 × 2 = 4 × 8, सो द आंसर इज 4। सो हाफ किलोग्राम ऑफ टोमेटो कितना कास्ट है, ₹4। And then, which cost more? Half kilogram of onions or 1/4 kilogram of carrots? Half kilogram onions कितना price है? 1/4 gram carrots मतलब 1/4 kilogram मतलब क्या है, पाव, ठीक है। अभी दोनों में compare करने में क्या cost ज़्यादा है, हम देखना है कौन सा cost ज़्यादा है। अभी देखो onion per kilo कितना, 10 rupees, half kilo 5 rupees होगा ना, half into 10, 1 × 2 = 5 × 2 = 7, सो आंसर इज 5। 1/4 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स, सो क्या करना है, 1/4 × 16, 1 × 4 = 4, 4 × 4 = 16, सो द आंसर इज 4। ई रुपीज 5, ई रुपीज 4, दोनों में क्या बड़ा है, रुपीज 5 बड़ा है ना, सो द आनियन कॉस्ट मोर। एंड देन वाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 किलोग्राम ऑफ पोटेटोज। पोटेटोज एक पर किलोग्राम कितना, 12 रुपीज, 3/4 किलोग्राम चाहिए, सो 3/4 × 12, 1 × 4 = 4, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, सो द आंसर इज ₹9। एंड देन डी सम, कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, सी हैज ओनली ₹20 विद हर, कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट। उसका पास खाली ₹20 है, ये लिस्ट में सब लेना चाहे, उसको ये लिस्ट में सब लेना है, ₹20 में हो जाएगी, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी हम चेक करना है, सबसे हम कम कम लेना है, ₹20 में सब हो जाएगी ना। अभी देखो टोमेटो 8 रुपीज़ है, सो मैं आधा किलो ले रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। अभी देखो आधा किलो टोमेटो, आधा किलो टोमेटो क्या होगा उसमें, आधा 4 रुपीज़। एंड पोटेटो 12 रुपीज़ है, थोड़ा ज़्यादा है ना, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसमें आधा किलो होगा 6 रुपीज़ होगा, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, 1/4 किलोग्राम पोटेटो, 1/4 किलोग्राम पोटेटो क्या होगा, 1/4 × 12, 1 × 4 = 3, 4 = 12, सो 3, ठीक है। 1/4 पाव पोटेटो में ले रही हूँ, एंड देन हाफ किलोग्राम आनियन, हाफ किलोग्राम आनियन में ले रही हूँ, हाफ किलोग्राम 5 रुपया होगा। एंड देन 1/4 किलोग्राम कैरेट, वो भी 4 रुपीज ना। अभी देखो हम किया इधर 1/4 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स 4, 1 kg पम्पकिन, पम्पकिन बहुत कम है ना, इसके लिए 1 kg में ले रही हूँ। सब साथ में मिलाकर कितना आ रहा है देखना, 4, 3, 4 + 4 = 8, 8 + 4 = 12, 12 + 5 = 17, 17 + 3 = 20, ओके 20 रुपीज़ को मिल लिया। मैं मेरा मर्जी में मैं सबसे कम 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 लिया, ठीक है। ये आधा किलो, ये आधा किलो, ये दोनों थोड़ा महंगा है ना, इसके लिए मैं पाव लिया, ये कम है इसके लिए 1 किलो लिया। आपका मर्जी से आप लिख सकता है क्या, 20 रुपीज़ को अंदर होना चाहिए बस, ठीक है। एंड मैं मेक 2 क्वेश्चन यूअर सेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट। ये प्राइस लिस्ट से हम 2 क्वेश्चन बनाना है। 2 क्वेश्चन कैसे बनाना है, देखो देखो इसका मर्जी से, ये भी एक क्या 20 रुपीज़ रखी, कैरेट 1/4 किलो लिया, पोटेटो 1/2 किलो, पोटेटो 1/2 किलो मतलब 6 रुपीज़ होगा ना इसका, आधा 6 रुपीज़। ये 2 किलो पम्पकिन 8 रुपीज़ होगा, 4 × 2 = 8, 1/4 किलो कैरेट, 1/4 किलो कैरेट 4 रुपीज़, 8 × 4 = 12, 12 × 6 = 18, 18 रुपीज़ को ये लिया। हमारा मर्जी, आपका मर्जी से आप लिखना है, मेरा मर्जी से मैं लिखी, मेरे को 20 रुपीज़ को मैं करेक्ट लिया। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैक 2 क्वेश्चन्स योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट में 2 क्वेश्चन्स हम अपना बनाना है, कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। अभी देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाउ मच पम्पकिन कैन शी बाई विद द टोटल मनी। ये टोटल मनी में कितना पम्पकिन ले सकता है, कितना पम्पकिन ले सकता है, 4 रुपीज़ है 1 किलो पम्पकिन, 5 किलो ले सकता है, 5 × 4 = 20 ना। सो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम पोटेटोज। 1 किलोग्राम पोटेटो 12 रुपीज़, 2 किलोग्राम पोटेटो कितना, ऐसे मैं अपना अपना क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप भी आपका मन से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड राइट बिलो ईच शेप, क्या है वो, कितना पार्ट कलर हो गया। देखो 2 पार्ट्स है, सो नीचे 2 आना चाहिए, एक पार्ट में कलर
शेडेड है. सो वन बाई टू ना, वन बाई टू मतलब क्या है, हाफ. राइट बिलो ईच शेप, ये क्या शेप है, ट्रायंगल ना. शेडेड पार्ट भी ट्रायंगल, इधर व्हाइट पार्ट भी ट्रायंगल. सो मैं ट्रायंगल लिख रही हूँ. एंड देन हाफ, इधर भी देखो एक रेक्टेंगल है, उसमें फोर पार्ट्स है, टोटल पार्ट्स फोर है, वन टू थ्री फोर. उसमें टू पार्ट शेड है, टू बाई फोर. ओके, टू बाई फोर है. लिसन, वन टू इज टू, टू टू ज फोर. सो द आंसर इज वन बाई टू. वन बाई टू मतलब क्या है, हाफ. ये भी हाफ है. ये क्या शेप है, रेक्टेंगल दिख रहा है ना. सो रेक्टेंगल, समझ गए ना. कलर द पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो. ये कलर करना है, कलर पेंसिल ले, मेरे पर्स में है कलर पेंसिल. कलर द पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो. इसको कलर करना है. अभी वन बाई टू है, वन बाई टू को हाफ, इसको हाफ अदर कलर करना है. कोल्ड इसमें कलर्स निकल. लिसन, वन बाई टू अभी इसको आधा पे कलर कर रही हूँ. ओके, एंड थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर को कलर करना है. थ्री बाई फोर कैसे करना है, ये पूरा. ओके, थ्री बाई फोर. एंड देन ये भी थ्री बाई फोर कलर करना है, थ्री बाई फोर. ये पूरा ओके. ऐसे सब में आप कलर करना है, ठीक है. एंड देन वन बाई फोर, वन बाई फोर को भी कलर करना है. फोर पार्ट्स में एक पार्ट को कलर करना है. ओके, एंड वन बाई टू, इसको वन बाई फोर टू कैसे हम कैलकुलेट करना है. देखो कितना पार्ट्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पार्ट्स है. वन बाई टू इंटू सिक्स, वन टू इज टू थ्री. सो आंसर इज थ्री. थ्री पार्ट्स को हम कलर करना है. आप अच्छे से नीटा आराम से कलर करना है, ठीक है. एंड देन थ्री पार्ट्स को कलर करना है. एंड देन थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर मतलब थ्री पार्ट्स को कलर करना है, पता है ना. सब में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करना. ओके, एंड देन कट इन हाफ, इसको हाफ कट करना है. ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइड्स द शेप्स इनटू हाफ, इसको हाफ शेप कट करना है. देखो ये ऐसे एक लाइन खींचने में वो हाफ कट होगा ना. ई बी, ई बी सब हाफ कट हो रहा है ना. ऐसे एक लाइन खींचना है स्केल यूज करके. एंड कलर हाफ द नंबर ऑफ शेप्स सोन हियर. ये देखो इसको हाफ द, इधर साइड हाफ द नंबर, इधर साइड कलर वन बाई फोर ऑफ द शेप्स. फर्स्ट हाफ को करना है, हाफ को मतलब आधा करना है. आधा कैसे करना है देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट शेप है. उसमें आधा क्या है, फोर शेप को कलर करना है. वन टू थ्री फोर, ऑलरेडी फोर शेप्स को कलर किया, वो ऑलरेडी गिवन. एंड देन नेक्स्ट इसमें हाफ को कलर करना है. फर्स्ट टोटल कितना काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन. एटीन में आधा क्या है, एटीन डिवाइडेड बाई टू क्या है, वन टू इज टू, नाइन टू सर एटीन. सो नाइन को कलर करना है. रेड कलर है ना, नाइन को कलर करना है. करो फटाफट. रुको रुको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. ओके, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. टेन में अदर को कलर करना है. टेन डिवाइडेड बाई टू, वन टू इज टू, फाइव टू सर टेन. सो फाइव को कलर करना है. ओके, एंड कलर वन बाई फोर ऑफ द, वन बाई फोर ऑफ दीज शेप्स.
इसको 1/4 ऑफ द शेप्स को कलर करना है। 1, 2, 3, 4 फोर में एक को कलर करना है ना, तो इसीलिए हम कलर कर सकता है फोर में एक ही को। एंड नेक्स्ट वन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। सो 1/4 इंटू 8, 1/4 इज फोर, 2/4 सर 8, आंसर इज 2। 2 को कलर करना है। एंड नेक्स्ट वन देखो, 4 है, इसी है ना, उसमें एक को कलर करना है। ओके, एंड मैच द कलर्ड पार्ट्स अस शोन। इसको कलर्ड पार्ट्स को मैच करना है, इजी है। देखो ये 4 पार्ट्स में आधा को है, मतलब टोटल पार्ट्स 4 है, शेडेड पार्ट 2 है। 2/4 मतलब 1/2, ये 1/2, 1/2 हाफ ना, हाफ 1/2, ठीक है, वो ऑलरेडी गिवन। एंड देन ये भी 4 पार्ट्स है टोटल पार्ट्स, उसमें एक को है, सो 1/4 को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर। सो क्वार्टर को मैच करना है, क्वार्टर किधर है, 1/4 नीचे। एंड देन ये पूरा का पूरा 4 में 4 है, सो होल पार्ट्स को होल 4/4। ये देखो टोटल पार्ट्स 4, कलर्ड पार्ट 3, सो 3/4, 3/4 को 3 क्वार्टर बोलते हैं, 3 क्वार्टर, इधर भी 3/4। ओके, एंड देन मेक द अदर हाफ। हाफ ऑफ द पिक्चर इज ड्रॉन हेयर, कैन यू कम्प्लीट द पिक्चर बाई ड्राॅइंग द अदर हाफ। हम कम्प्लीट करना है अदर हाफ ड्रा करके। देखो आधा ऑलरेडी दिया, मे बी दूसरा भी, दूसरा साइड भी मैं ड्रा किया। ड्रा करने के बाद इधर साइड क्या कलर है, सेम कलर हम ड्रा करना है। ओके, एंड ये हाफ एंड ये हद से हम नेक्स्ट वीडियो में देखना है। ओके, थैंक यू।